हमारा काम निशान थक जाते हैं तो ट्रक उठा के ठेले पर रख लेते हैं। अच्छा कौन उठा दे, आगे रखवा दें, आगे रखवा दें, कोई धक्का दे। ठीक है अब्दुल मजीद भाई, ये आपका एक महीने का राशन का बैग आ गया, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? सब खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम भाई जान। नाम क्या आपका? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद भाई, क्या बेच क्या रहे हैं आप? गोला गंडा, वो बर्फ वाला जो बर्फ बनाते हैं? बर्फ वाला। अच्छा। तो सर ये हैं अब्दुल मजीद भाई ना, अब्दुल मजीद भाई। और ये जो गोला गंडा बनाते हैं, जो बर्फ वाला गोला बनाते हैं, बर्फ़ को यहाँ पे रख के घुमाते हैं, जो बर्फ़ को जो है क्या बन जाता है, वो चूरा बन जाता है। और उसके बाद ये कुछ कलर्स हैं, खोलिएगा। अच्छा ये आ गया हरा कलर और ये आ गया लाल कलर। क्या बात है। अब कब से बेच रहे हैं आप ये अब्दुल मजीद भाई ये गोला गंडा? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। अच्छा और आपकी उम्र कितनी होगी? तकरीबन 60 साल के करीब, तकरीबन 59 साल समझे। अच्छा और रहते कहाँ हैं आप? गंजोटा का। अच्छा घर अपना है आपका? घर अपना है किराए का? अपना है। माशाल्लाह। और बेटे इस काबिल हैं कि कमाई कर सके? बेटा एक ही है बस। एक बेटा है? बस वो ठेला चलाता है, बाकी सारी बेटियां हैं माशाल्लाह। मैं यहाँ पे दुकान पर आया था तो आपको मैं इसलिए देख के रुका हूँ, आपकी जो जूते, आप वहाँ से ठेला चलाते हुए आ रहे थे, मैंने आपके जूते देखे, जूते चप्पल जो आपने पाँव में पहनी हुई वो टूटी हुई थी, और आपकी उम्र भी मुझे अब ज़्यादा लगी, और आप इस उम्र में इस दोपहर के टाइम पे ये धक्का देते हुए जा रहे थे ठेले को, तो मैं इसलिए आपके पास आ गया। आप सारा दिन ये ठेला लगाते हैं? सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा और सुबह मगरिब तक? मगरिब तक। और सुबह से शाम तक कितनी माशाल्लाह से कमाई हो जाती है? 500-600 मिल जाते हैं। तो आज के इस महंगाई भरे दौर में 500-600 में घर चल जाता है? अल्लाह चला रहा है, हमें तो कोई तौफीक नहीं है, वही चलाने वाला वही है जो ऊपर वाला है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ही चलाता है। अच्छा तो ऐसा है अब्दुल मजीद भाई, हम छोटी सी है ना आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये हेल्प मेरी तरफ से नहीं है, अमेरिका में हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कुछ रकम भेजी थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी मुस्तहिक की मदद कर दीजिएगा, तो उनकी तरफ से अमानत आई हुई थी, वो मैं आपके हवाले करना चाहूँगा। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं जूता दिलाऊँ एक ना, आपका जूता जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप इसको पहन के ठेले को धक्का दें, ठीक है। उसके अलावा एक महीने का राशन भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप उन साहब के लिए जिन्होंने आपके लिए ये हेल्प की है, हम उसको दुआ करते हैं अल्लाह करे उसको। अच्छा उनकी जो वालदा हैं, वालदा माजिदा, वो इंतकाल फरमा चुकी हैं, गजाला सिद्दीकी साहबा, अल्लाह ताला उनकी मफरत फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें कवर करवाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, परवरदिगार ए आलम आमीन। बेटा नहीं कर बचाओ, और एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी रिक्वेस्ट ये है कि मैं और मेरी घर वाली और मेरी बहन है, इनकी तीनों की आँखें कमजोर हो गई हैं। अच्छा तो क्या दूर की नजर कमजोर है, नजदीक की कमजोर है? नजर कमजोर हो गई, तीनों का ऑपरेशन होगा, लेंस लगे। अच्छा तो चेक करवाया है डॉक्टर से आपने? चेक करो, ठीक है चेक तो करो, बोलते हैं वो बोलते हैं ऑपरेशन करें, हम बोलते हैं ऑपरेशन फिर खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है कि लेंस कुछ दिलवा दे तो सही है, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। चले अल्लाह ताला ने कोई इस तरह वसीला बनाया आपके लिए तो इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा रब्ता करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन फिल वक्त ये है कि आपको मैं एक जूता दिलाना चाहूँगा, और उसके अलावा आपको एक महीने का जो राशन है वो अमेरिका में रहने वाले उस भाई की तरफ से आपके लिए दुआ करते हैं, उसको और भी ज्यादा दे दे परवरदिगार आलम, इतना दे के वो सखी बन जाए। आमीन आमीन आमीन। तो चलिए आए 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 दुकान पे चलते हैं। तो ये दुकान है, चलें आगे चलें आगे चलें। पहले हम यहाँ पे राशन का बोल देते हैं इनको, ये भाई राशन निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर एक महीने का राशन का बैग बना दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, ठीक है। मैं आपको बिल दे देता हूँ, उसी बिल के अकॉर्डिंगली ये बना दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इस पर सामान लिख दिया है, ये सारा जो है ना ये एक बैग में डाल के बैग पैक कर दीजिए, ठीक है। मैं अंदर आ रहा हूँ, हाँ एक बैग बना दीजिए, ठीक है। हम आ रहे हैं 10 मिनट में, ठीक है। जल्दी कर दीजिएगा। बिल्कुल।
चलें 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 आए आए बराबर में ही जूतों की दुकान है। तो यार थोड़ी देर भाई के ठेले के पास रुकिएगा। चलिए अब्दुल मजीद भाई, तो कितना टाइम हो गया आपको ठेला लगाते हुए? 6 साल हो गए। चलें चलें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। इधर ही बराबर में एक जूतों की दुकान है, तो वहाँ पे चलते हैं। आप अपने लिए जूता पसंद करें, जो आपको अच्छा लगता है वो खरीदें। खुली हुई है? बंद है? खुली हुई है, खुली हुई है। चलिए जो इनको चप्पल पसंद आ रही है वो इनको चप्पल दिलो। बैठ के ले ना, बैठ के चेक कर लें। चल तब जूता पहनते चप्पल से पाँव जो ना खराब होते हैं इस तरह। अच्छा हमारा काम है, थक जाते हैं तो ट्रक उठा के ठेले पर रख लेते हैं। अच्छा चले चले, जैसे आपकी मर्जी। ये सही है आपके लिए? सही। चले निकालिए इसका दूसरा पैर भी निकालिए। सही है, पहने ना, पहने पहन के जाए। वो तो टूटी हुई है ना, जब भी तुम्हें आपके पास रुका हूँ आप इसको पहन के जाए, उसको छोड़ दे। वो इस काबिल नहीं है कि आप उसको पहन के चले ना, रोड पे चल रहे हैं पत्थर वगैरह लगेंगे आपको। पुरानी चप्पल जो है वो फेंक दी आपने ना? हाँ, अब ठीक है ना? सही है, शुक्र। नई चप्पल आ गई आपके पाँव में। अभी चलते हैं दुकान पर, मेरे ख्याल से राशन का बैग जो है वो तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो मजीद भाई आपका बैग जो है माशाल्लाह से रेडी, उठा लेंगे। एक मिनट रखवा देते हैं, एक मिनट रुके, आप रुके। मेरी ठेले पे रखवा दीजिएगा। ये थोड़ा इधर करके इधर रखवा दें, या इस तरह रखवा दें, आगे रखवा दें। ठीक है अब्दुल मजीद भाई, ये आपका 1 महीने का राशन का बैग आ गया। ठीक है, और जूता आपका नया आ गया। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरे, ये 3 बंदे बताए। अच्छा, वो आंखों का आपने जो बताया ना, चलें अल्लाह ताला ने कोई वसीला बनाया तो जरूर। समझे, हम गरीब लोग हैं, खर्चा नहीं है कि हम खर्चा करके लेंस लगवाएं, कुछ लगवाएं। 3 बंदे हैं, एक भी नहीं है, 3 बंदे हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए इंशाल्लाह। मैं जरूर आपसे दोबारा रब्ता हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो ये आपका बैग आ गया, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये सब मेरी तरफ से नहीं है, अमेरिका से हमारे एक भाई हैं उनकी तरफ से है। उनकी जो वालदा जो है वो वफात पा चुकी है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी माफ़ करे, उसको जन्नत में दाखिल कर दे। हम यही दुआ करते हैं और उसको ज्यादा ज्यादा दे दे अल्लाह ताला, परवरदिगार आलम सखी बना दे उसको, मालिक और लोगों की खिदमत करता रहे, हम यही दुआ करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मजीद भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। मेरा घर है।